करनाल के केवीए डीएवी महिला महाविद्यालय रेलवे रोड में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में अपने जौहर दिखाए गए। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा मटका रेस, लंबी दौड़, म्यूजिकल चेयर एवं अन्य खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी संदीप कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हॉकी प्लेयर संदीप कौर ने कहा कि खेलों में छात्राओं का उज्जवल भविष्य है, क्योंकि केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार की नई खेल नीति है, उससे बेहतर खिलाड़ियों को बेहतर प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वह नशे से दूर रहे और भविष्य को देखते हुए शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी अपनाए। इस मौके पर कॉलेज का स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रही। देखिए कुछ झलकियां। और हमारा फाइनलिस्ट अमन मैम, जोरदार तालियां बच्चे, उत्साहित कीजिए प्रतिभागियों को। फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों रहा है यहाँ पर, क्या कहें खेल के लिए प्रति। आज यहाँ डीएवी कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट है, उसमें हम आए हैं तो नेचुरली हम स्पोर्ट्स पर्सन है, इंडिया के प्लेयर है, तो हम इस जगह पर आए हैं तो यहाँ मोटिवेशन के लिए आएंगे, बच्चों को अच्छा मोटिवेट मिले। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये कॉलेज में स्टाफ बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, और मैंने देखा कि सुमन मैम की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो भाग दौड़ कर रहे हैं, वैसे तो उनका तो ये फील्ड है, साथ में प्रिंसिपल मैम है जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है स्टूडेंट्स को, और जो टीचिंग स्टाफ है पीछे, कोऑर्डिनेशन मुझे अच्छा यहाँ देखने को मिला है और बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया। क्या कहेंगे जो बच्चे खेल रहे हैं, उनको क्या प्रोत्साहित करेंगे आप, आगे उनका भविष्य कैसा देखना चाहेंगे सरकार से? अभी जैसे कि भारत में काफ़ी फैसिलिटीज़ शुरू हो गई हैं स्पोर्ट्स में, अपने स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, जो हम फील करते हैं जैसे हमारे टाइम में भी फैसिलिटीज़ अच्छी थी, लेकिन जितनी अब फैसिलिटीज़ हो गई हैं उस हिसाब से हमारे मेडल भी आ रहे हैं, और जो हमारे कंट्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और जो हमारे अभी खेल मंत्री बने हैं संदीप सिंह जी हरियाणा के, उनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। वो हमारे जूनियर भी हैं हॉकी में, शाहबाज मारकंडा से बिलोंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हॉकी के लिए तो अच्छा करें लेकिन सभी फील्ड्स को, सभी खेलों को वो बराबर। नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है युवाओं में, खिलाड़ियों में, इसको कैसे देखते हैं? ये जो नशा बढ़ रहा है इसके ऊपर मेरा जो व्यू है वो ऐसा है कि हमें एक, जिस हम परिवार से निकल रहे हैं वहाँ का सबसे पहले माहौल बहुत डिपेंड करता है कि बच्चा अपने परिवार में क्या चीज़ें सीख रहा है। अगर हम उसको बेस्ट गाइडेंस देते जाएंगे और उसको मानसिकता उसकी अच्छी रखेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे खेल की तरफ, और जो जिंदगी में जो चीज़ों की पहली प्रायोरिटी अगर हम उसको देंगे तो नशा कम होगा, और समाज में हमें एक दूसरे से मिलकर चलना होगा और एक बच्चों को स्वस्थ एनवायरनमेंट देना। लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी चैलेंज, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसमें क्या कहते हैं? क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मैंने जो खेल के जीवन में महसूस किया है कि सबसे पहले हमें एक महिला के अंदर से डर को भगाना होगा। अगर हम डर गए, जैसा मैंने अभी मैडम बोल रहे थे कि जो अगर डरना नहीं है, डरने से आगे एक दुनिया है, तो वो हम डर को भगाना होगा। और काफ़ी हद तक जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारा समाज देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ा सा और चेंजेस की ज़रूरत है। एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हमारी जो महिलाएं हैं वो तरक्की करती जाएंगी। गेम में पार्टिसिपेट किया तो क्या कुछ होगा? मैं सबसे पहले के लिए डीएवी कॉलेज फॉर वेमेन की प्रधानाचार्य के पद पर आसीन होते हुए आज हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं मैडम संदीप कौर, हॉकी की इंटरनेशनल प्लेयर और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, भीम अवॉर्डी हैं, इनका मैं यहाँ पर अपने कॉलेज के प्रांगण में इनका स्वागत करती हूँ। और इन्होंने जिस तरीके से आके आज हमारे एनुअल स्पोर्ट्स मीट में इन्होंने बच्चों को केवीए डीएवी कॉलेज में आकर, सभी हमारे जितनी छात्राएं यहाँ पर बैठी हैं
पूरा कॉलेज की तमाम 2500 के करीब छात्र यहाँ बैठे हैं और सबको इन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया अपने भाषण के साथ, तो मैं इनकी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ में हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो स्पोर्ट्स कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चलाया, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ हमारे जो कॉलेज का मोटो है वी, दैट इज़ WE, वीमेन एम्पावरमेंट, उसको एक स्पोर्ट्स के रूप में भी हम चाहते हैं कि बच्चे आगे आए। और मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी कि हरियाणा में 4 बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पर आगे आए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उसमें से 2 खिलाड़ी हमारे हैं, एक हमारी शिवानी है जो फेंसिंग में इंटरनेशनल लेवल पर आई हैं और एक हमारी सुखबीर कौर जो वॉलीबॉल में इंटरनेशनल लेवल पर आई हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और सुखबीर ने सिल्वर मेडल जीता। और आज सुखबीर को रेलवेज में आते ही, इस कॉलेज के प्रांगण में आते ही हमें एक खुशखबरी मिली कि उसको रेलवेज में सिकंदराबाद में बहुत ही अच्छी जॉब का ऑफर हुआ। तो अब ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ाई के ही माध्यम से बच्चों को आगे प्रोग्रेस मिलेगी, अब स्पोर्ट्स में भी हम इन बच्चों को एक्सेल करने के लिए बहुत प्रेरित कर रहे हैं। इसमें हमारे 300 छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया एनुअल स्पोर्ट्स डे पर, और हम इन बच्चों को जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको हम हर तरीके की मदद दे रहे हैं। 100% स्कॉलरशिप हम इनको एक फी वेवर दे रहे हैं, कॉलेज में फ्री इनकी एजुकेशन है, बोर्डिंग और लॉजिंग भी इनकी कॉलेज के हॉस्टल में फ्री है। तो इस तरीके से हम सब तरह से स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी आगे आ रहे हैं उनको हर तरीके से हम मदद करें। हम चाहते हैं हमारा कॉलेज खाली पढ़ाई में ही नहीं, हर को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर सब एक्टिविटीज़ में आगे आए और बच्चों में एक संस्कार ऐसे पैदा हों, जैसे अभी मैडम ने कहा कि नशा मुक्ति। हम चाहते हैं हमारे बच्चे इस बात को लेकर आगे बढ़े कि आगे आने वाला भारत हमारा फिर से सोने की चिड़िया बने, बिल्कुल नशा मुक्त हो। और जितने भी हमारे फिट इंडिया, जितनी भी हमारी अच्छी तमाम मूवमेंट्स चल रही हैं, स्वच्छ इंडिया, तो ये सब चीज़ों में हम बच्चों को जागरूक करें और ये बच्चे बहुत अच्छा करें, ऐसा मैं इनके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी सारी फैकल्टी मेंबर्स को मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत आशीर्वाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।